विकराल बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। तो आज की मेरी सच्ची कहानी है, दरअसल दोस्तों एक अंग्रेज विदेश से आकर हमारे हिंदुस्तान में आकर कैसे करोड़पति बन जाता, अरबपति बन जाता है। उसके बाद वो हमारे उत्तराखंड के जब देवी देवताओं को जो चैलेंज करता है तो फिर क्या दुर्गति होती है और कैसे उनका अंत होता है, इस कहानी में सारा आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। और जो हमारे उत्तराखंड के भाई लोगों को हमारे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है और इस कहानी पर, इस अंग्रेजी कहानी पर जिसको विश्वास नहीं है, आज भी वो सोमेश्वर देवता के मंदिर में चले जाना और आपको इस चीज़ का जीता जागता प्रमाण आपको उस मंदिर में मिलेगा। जो मुखवा गाँव है वहाँ का, और वहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है सोमेश्वर देवता का, आपको वहाँ आज भी इस कहानी के प्रमाण मिलेंगे। मैं आपको बाद में कहानी बताऊंगा। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जो आज का मेरा विषय है वार्तालाप का, वो एक सच्ची कहानी और सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक अंग्रेज की धारणा हमारे हिंदुस्तान में आके बदलती है। दरअसल जो ये कहानी लेकर आ रहा हूँ मैं, ये उत्तरकाशी जिला है और हरसिल गांव है, भटवाड़ी ब्लॉक है। दोस्तों जो ये मेरी कहानी है एक अंग्रेज के इर्द गिर्द रहेगी सारी, ठीक है, और मैं इसमें जो नाम रखूँगा उनका रियल किरदार पर रहेगा। जो ये कहानी है फ्रेडरिक विल्सन की है। दरअसल विल्सन वो अंग्रेज था, इसने हमारे उत्तराखंड में 1815 से यहाँ पर नाम और रुतवा उस समय कमाया था। उनके चर्चे पूरे इंग्लैंड और हर जगह इनके चर्चे हो गए थे और ये उस वक्त यहाँ पर सबसे अमीरों में आ गए थे और इंग्लैंड में भी इनकी अमीरों में गिनती होने लग गई थी। ये नाम कमाया इनने यहाँ से, उत्तराखंड से। लेकिन ये कभी देवी देवताओं पर, इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करते थे। ये आपको पता ही है हमारे उत्तराखंड देवी देवताओं पर विश्वास करना इनके लिए, किसी के लिए स्वाभाविक रूप से भी अंग्रेज हमारे देवी देवताओं पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं करते। ये सब बोलते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार फ्रेडरिक विल्सन ने जब अपना यहाँ पर कारोबार जमाया क्या करा करते थे दोस्तों, जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध पेड़ जो होते हैं वो देवदार के होते हैं, देवदार के पेड़ हो गए, और हमारे जो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग हुआ करते थे उनको मार के ये इंग्लैंड में बेचा करते थे। अब दोस्तों 1815 में एक आय व्यय के साधन उतने कम हुआ करते थे, तो इनका कार्य कैसे होता था, ये पेड़ों को काटने के बाद उनके गिल्टे बनाते थे, गिल्टे बनाने के पश्चात ये क्या करते थे, गंगा जी में बहा देते थे। जब वहां से गंगा जी में बहा देते थे उसके पश्चात वो कहाँ आके पकड़ते थे, हरिद्वार में। हरिद्वार क्या हो जाता था, फिर एक प्लेन्स नगरी लग जाती थी, तो प्लेन्स नगरी में उनको क्या करते थे, ये निकाल देते थे सारे गिल्टे। अब दोस्तों ये बात सोचने वाली बात है कि दोस्तों किस, मतलब अंग्रेज लोग किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे जो तेल का ईंधन का सारा खर्चा बताते थे और वो गंगा जी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हरिद्वार में लेके आते थे और कई कई लकड़ियाँ हरिद्वार से ट्रक को निकाला करते थे। फिर ये अपने वहाँ से जैसे बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से या आगे तक पहुँचाया इन्हें, उसके बाद ये ट्रेन के माध्यम से अपने शहर में ले जाते थे, फिर समुद्र के पास ले गए, समुद्र के बाद ये जहाज के माध्यम से अपने वहाँ तस्करी करा करते थे। और इनकी कीमत वहाँ दोस्तों ट्रिपल चौगुनी इनको मिलती थी सारी। आप समझ सकते हो कि देवदार की लकड़ी किस काम में आती है और कस्तूरी मृग जो बोलते हैं दोस्तों वो किस कार्य में आता है, ये आप लोग समझ सकते हो। जो फट बिलियन सिंह राजा थे उनका नाम यहाँ पर होल सिंह राजा के नाम से उन्हें प्रसिद्ध, क्योंकि लोग हमारे पहाड़ी लोग उनका नाम नहीं लिख पाते थे तो उनका नाम होल सिंह राजा बोला करते थे। दोस्तों समय बीतता रहा तो वो इतने धनवान राजा बन गए थे यहाँ पर, उन्होंने अपना जो हरसिल गाँव था, हरसिल गाँव को बसाने का श्रेय भी किनको जाता है, अंग्रेज को जाता है, फ्रेडरिक अंग्रेज को। दोस्तों जब इनके ऊपर वहाँ अगर मैं इनकी कहानी बताने लग जाऊँगा तो आपको 300 पन्नों से भी अधिक इनकी कहानी लिखी हुई है वहाँ उस टाइम पर गढ़वाल में, तो आप समझ सकते हो कि ये किस टाइप के राजा थे।
और तस्करी के नंबर वन विकास बादशाह बोला जाए तो। उस टाइम पर जो गढ़वाल में राज हुआ करता था, जो उस वक्त वहां के राजा थे वो सूरसन शाह राजा थे, 1815 के लमसम बात थी। और ये अब हरसिल गांव से मुखवा गांव में जाने की मैं बात करता हूँ। मुखवा गांव वो गांव है जहां पर गंगा मैया की 6 महीने लगातार आरती वगैरह होती है, और 6 महीने बाद जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है अप्रैल में, तो गंगा माँ फिर कहाँ चली जाती, गंगोत्री में चली जाती। तो फिर गंगोत्री में गंगा माँ की पूजा प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक जो अवसर होता है, कार्तिक पूर्णिमा, जैसे दिवाली का जो अब ये टाइम आएगा दिवाली के दिन, तो दिवाली के दिन से वहाँ के जो मंदिर में अंतिम पूजा होगी गंगोत्री में, उसके बाद वहाँ के क्या हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। अब जो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो सब लोग कहाँ जाते हैं उस दिन, गंगोत्री जाते हैं। वहाँ से गंगा माँ को पैदल कहाँ लेकर आते हैं, मुखवा गांव पर लेकर आते हैं, क्योंकि सुरास बोला जाता है वहाँ पर गंगा मैया का। तो वहाँ पर शोर शराबे से माता को जयकारा लगाते हुए वहाँ लेकर आते हैं, और वहाँ पर फिर माता की जो मुखवा गांव में होती है पूजा प्रारंभ होती है। तो मुखवा गांव का गंगा माँ का मैका जो हुआ वो मुखवा गांव में हुआ, और मुखवा गांव में ही आगे क्या है, सोमेश्वर देवता का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर बोला जाता है सोमेश्वर देवता ने 5 घर लकड़ी के बनाए थे, वो आज भी है, और वहां के स्थानीय लोग उन घरों में भी पूजा वगैरह करते हैं और रहते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध वहां के जो प्रसिद्ध जो देवता होते हैं वो सोमेश्वर देवता होते हैं। आपके मन से ये डाउट तो हट गया होगा कि अब मुखवा गांव कौन सा गांव है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर गंगा मैया की पूजा होती है 6 महीने शीतकालीन में। आपको मैं वैसे बता देता हूँ, अक्टूबर नवंबर में कपाट बंद हो जाते हैं गंगोत्री के, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के होते हैं, और उसके पश्चात जो अप्रैल माह में वो दरवाजे पुनः खोले जाते हैं। तो उसी प्रकार जब माता को इधर लेकर आते हैं तो जो उधर के स्थानीय लोग वगैरह होते हैं तो सोमेश्वर देवता के मंदिर में हर बार पूजा वगैरह बड़ी धूमधाम से करते हैं। जो अंग्रेज था फिट विलियमसन, उसने वहाँ हमारे उत्तराखंड की जो लड़की थी उनसे शादी कर ली थी। अब शादी भी किस तरीके से करी मैं आपको बताता हूँ। एक ही परिवार की पहले उनकी बुआ से शादी करी, और फिर उनकी भतीजी से भी शादी कर ली। तो उन दोनों बुआ भतीजों से शादी इसने करी फिट विलियमसन। तो लड़की का नाम था, एक का नाम गुरुमुखा नाम था। तो दोस्तों अब हर साल रीत थी वहाँ जैसे वैसी ऐसी की लगते, तो उसमें क्या होता है, जब पूजा वगैरह के जो नियम होते हैं बोला जाता है, जो देवता थे वो हिमालय में जाते थे, और हिमालय से जैसे बर्मी कमल फूल हो गया, जमड़ा के फूल हो गया, तो ये उनसे उनके देवताओं पर चढ़ते थे सोमेश्वर देवता थे। अब फिर ये क्या करते थे, बाद में जो वहाँ पहले वो आग पर चलते थे, जो भट्टी रखी हुई थी तो उस पर चलते थे देवता, जिन पर देवता अवतरित होते थे। फिर उसके पश्चात ये क्या करते थे, कुल्हाड़ियाँ रखी होती थी, उनके धार के ऊपर ये देवता चढ़ते थे। अब जब ये सारा नज़ारा फैट विलियमसन ने वहाँ देखा और उनकी पत्नी की आस्था बड़ी देवताओं के ऊपर, तो वो इनको लेके वहाँ पर इनको नियोत करने गए। तो वहाँ पर खुशी खुशहाल जब इनने ये सारा देखा वहाँ पर, तो इसके बाद ये अपने घर को आ गए। अब जब स्थानीय लोग बाद में वहां पर, तो इनने कुछ बोला नहीं फैट विलियमसन ने, क्योंकि इनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ, इनका नाम जो था वहां के जो स्थानीय लोग होल सिंह बोलते थे। जब होल सिंह राजा के वहां ये गया अंग्रेज के घर पे, तो उनसे पूछा कि हे राजन, आपको हमारी पूजा का विधि विधान कैसा लगा हमारी उत्तराखंड की। तो वहां पर इनने उन सभी जो इसके वहां अतिथिगण आए थे उन सबका अपमान करा, और खास तौर से देवता के ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां। उन्होंने कहा, जो देवता तुम्हारा नाच रहा था वो तुमको ठग रहा था, वो जिन कुल्हाड़ियों पर चला वो कुल्हाड़ियों में धारी नहीं थी, ऐसी ऐसी कुल्हाड़ी से कोई वो चलता है क्या, ये देवता लोग खाली तुम्हें ठग रहे हैं, और ये ठग मात्र विद्या है, और इस चीज में तुम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये कष्ट सहम की बात होती है दोस्तों, आप सोचो, भगवान कभी भी चाहे किस युग में भी हो, बिगर भक्ति के और बिगर विश्वास के कभी प्राप्त नहीं होते हैं।
आपको सबसे पहले अपने भगवानों पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या होगे इस सत्संग में, तब जीतोगे। तो जैसे ये बात उनने उनसे कही, तो जो वहाँ के महंत और जो पुजारी वगैरह थे, उनने कहा ठीक है आप ये जो कार्य है तो आप, आपको तो हमारे पे विश्वास ही नहीं, हम चलते हैं। उनने कहा नहीं नहीं, विश्वास कैसी बात करते हो आप, विश्वास मुझे है, ये मेरे पे 7 तरवालें रखी हुई हैं, अगर ये तरवालें ऐसी हैं, ये मनुष्य का कि अगर उसमें रखोगे भी तुम तो ये गर्दन में वशीधार बना देती है, अगर तुम्हारा देवता इन 7 तरवालों में चढ़ गया तब मैं बोलूंगा ये देवता है, अन्यथा तुम्हारा देवता कभी कोई देवता नहीं होगा, मैं ये बोलूंगा। तो आप सभी के जो सर थे वो नीचे हो गए, उन्होंने कहा यार करे कौन ये सारी चीजों में बहसबाजी, किसी को पता नहीं था। तो इतने में जो पुजारी जी थे उनके देवते, उनके जो पुत्र था उन पर सोमेश्वर देवता का अवतार हुआ था, अभी ज्यादा समय नहीं होगा, नए नए अवतार देवता ही थे, तो उनसे ये बातें सुनी नहीं गई। कही जैसी अनुचित वाणी भैया कुल को दाग लगाता है, तो जैसी अनुचित वाणी कही होरसल राजा ने, तो उसी टाइम पर जो उनके पुत्र थे उन पर देवता का अवतार हो गया। उन्होंने कहा हे राजन, अगर इन तरवालों पर मैंने चल के दिखा दिया तो तुम जो शॉल कश्मीरी शॉल तुमने अंदर लाके रखा है वो मुझे चढ़ाओगे क्या? अब ये बात हर्षल राजा ने अपनी पत्नियों को भी नहीं बताई थी कि मैंने कश्मीरी शॉल रखा, क्योंकि वो शॉल उस वक्त 500 रुपए का था, 500 रुपए की कीमत बहुत होती थी उस समय दोस्तों। तो जैसे उसने ये बात सुनी तो वो छक्के बक्के रह गया, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता ये बात, जबकि अब पंडित काल का कभी अंदर गया भी नहीं और कभी वो भी नहीं गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप मेरी शर्तों पे उतर जाओगे तो मैं आपको वो 500 रुपए का शॉल अवश्य चढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी वैसी तैयार करो, तो वहां फिर वैसी तैयार करेगी, वैसी तैयार करने के बाद वो तरवाले ऐसी खड़ी कर दी, बिल्कुल धार पे साइड से खड़ी कर दी सारी तरवाले। उसके बाद जो वैसी लगी, वैसी लगने के बाद जो देवता अवतरित हुए उन पर और वो एक के बाद एक तरवालों पर चढ़ते रहे, लेकिन उनके पाँव में एक खरोंच तक नहीं आई। दोस्तों हकीकत की बात है, सच्ची घटना, जब सारी चीजें जब उसने देखी हर्षल राजा ने तो वो नगमस्तक हो गया उनके चरणों में। हे सोमेश्वर देवता, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे सोमेश्वर देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, दया दृष्टि में यदि तुम आओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो दोस्तों फिर सोमेश्वर देवता दया दृष्टि में आते हैं और कहते हैं जब मैंने तुझे माफ करा, लेकिन अब जो मुझे वचन देगा तू आज के बाद कभी किसी पशु की हत्या नहीं करेगा। तो कहता ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आज के बाद किसी पशु की हत्या नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा जो ये जिन अस्त्रों पर अब मैं चला हूँ, ये अस्त्र कहाँ चल जाएंगे, मुखवा गांव के मंदिरों में चल जाएंगे। तो दोस्तों उसके पश्चात जो वाले थी वो कहाँ चढ़ाई गई, वो मंदिर में चढ़ाई गई, मंदिर में चढ़ाने के बाद मुखवा गांव के मंदिरों में ले गए। अब वो जब गंगा मैया यहाँ रहती है तो मुखवा गांव में चढ़ते हैं, और जब गंगा मैया कहाँ चली जाती है, गंगोत्री चली जाती है, तो उस वक्त वो गंगोत्री में भी तरवाले दिखाई देती है। तो दोस्तों ऐसा होता है जब आदमी की आंखें खुल जाती हैं उसके बावजूद भी वो अगर उनको चैलेंज करता रहता है, तो वैसी ये बात बाद में सोमेश्वर देवता को इनका चैलेंज करना, तो इनके वहाँ एक घंटा भी था बोला जाता है, वो सोमेश्वर देवता के मंदिर में वो भी चढ़ाया इनने उस वक्त, वो बहुत महंगे घंटे थे, तो अंग्रेज ने वो घंटा भी चढ़ाया वहाँ पर सोमेश्वर देवता के मंदिर में, और 5 घर लकड़ी के बनाए और वो घरों में वहाँ रहना निवास कराए। तो दोस्तों ऐसी लीला सोमेश्वर देवता की है, और सोमेश्वर देवता वो देवता होते हैं गढ़वाल के, जो गंगोत्री और यमुनोत्री में जो सबसे ऊंची चोटियों पर अगर किसी के मंदिर मिलेंगे तो वो सोमेश्वर देवता के मिलेंगे, और उनका जब डोला उठता है सोमेश्वर देवता का तो बड़ा ही धूमधाम से उठता है। दोस्तों जो वहाँ के मुख्य देवता होते हैं वो सोमेश्वर देवता होते हैं,
और सोमेश्वर देवता के जो साथ चलने वाले होते हैं, जैसे कलवा देवता, गोरिल देवता, इनके साथ में चलते हैं, और मसाड़ वीर वगैरह जो भी इनके साथ में बहुत सारे चलते हैं। लेकिन एक चीज और होती है, सोमेश्वर देवता जो होते हैं वो केवल तामसिक भोजन कभी नहीं करते, वो जो शुद्ध शाकाहारी चीजों पर निर्भर रहते हैं और वो कभी बलि वगैरह नहीं लेते हैं सोमेश्वर देवता। अब ताजुब की बात यह है, जो वहाँ मंदिर गोरिल देवता के सोमेश्वर देवता में है, वहाँ मुखवा गांव में जो मंदिर गोरिल देवता के जो मंदिर है हरसिल में, तो बोला जाता है वहाँ भी गोरिल के जो मंदिर में बलि नहीं चढ़ती है। बगीचे में, आम के बगीचों में इनका मंदिर बनाया जाता है और वहीं जो बलि की प्रथा, इनको वहाँ नहीं चढ़ाई जाती गोरिल को। और गोरिल की ताकत से वहाँ गोरिल के नाम से सब डरते हैं, कहते हैं गोरिल सब देवता अच्छे होते हैं लेकिन गोरिल देवता जहाँ पर आ जाते हैं वो फटक लगाने में देरी नहीं करते, ऐसा गोरिल का न्याय। और किसी देवता, हमारे कुमाऊं के किसी भी देवता का वहाँ जिक्र नहीं है दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा हे ऐसी मिथ्या बोल रहा है, मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये बात आप वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ और अगर आप कभी इन स्थानों पर जाओगे तो गोरिल के यहाँ पर नाम चेंज हो जाते हैं, कई अलग अलग नामों से बोला जाता है। और गोरिल के साथ कलवा, लकड़ी वीर, इनके नाम चलते हैं दोस्तों, ये भीरू में चलते हैं वहाँ। तो ये हमारे उत्तराखंड के जो देवता है, बड़े परचुनी और न्यायकारी देवता है, इनका वासा हर जगह पड़ जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। और यदि आपको लगता है कि यार हाँ वाकई में हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है और वार्तालाप का एक विषय करने वाला एक अच्छी खोज है उत्तराखंड के लिए, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपने क्षेत्र से जुड़ी कहानियाँ आप मुझे व्हाट्सअप, फेसबुक किसी के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज दिवाली तो पटाखे चले भी नहीं चले करो तो बिल्कुल। चाचा।